नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया अकेडमी पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे मॉर्निंग मीटिंग के बारे में। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रन कर रहे हैं तो आपको मॉर्निंग मीटिंग करना ही करना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे कि मॉर्निंग मीटिंग क्या होता है, मॉर्निंग मीटिंग को कैसे कंडक्ट करें और मॉर्निंग मीटिंग को करने के क्या फायदे हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम लोग एक मॉर्निंग मीटिंग का बोर्ड भी देखने वाले हैं, वो भी मैं आपको बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा एक मॉर्निंग मीटिंग का फॉर्मेट या बोर्ड, ताकि आप लोग वो सीख करके अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकें। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना गंवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मॉर्निंग मीटिंग है क्या। बेसिकली मीटिंग का मतलब है कि भाई हम किसी काम के लिए एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं और उस चीज के ऊपर सलाह मशवरा या डिस्कशन करते हैं। ऐसे ही जो मॉर्निंग मीटिंग है या डेली मीटिंग जो होती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है या सिस्टमैटिक मेथड है, जिसके अंदर की डिस्कस ये किया जाता है कि कल जो निकल गया या कल की शिफ्ट जो निकल गई उसमें हमने क्या अचीव किया, उसके अंदर क्या खामियां रह गई, क्या गलतियां रह गई, उनको कैसे रिजॉल्व करना है, और आज का जिस दिन हम मीटिंग कर रहे हैं उसका आज का क्या प्लान है, उसको हम कैसे अचीव करेंगे जो आज हमने प्लान लिया हुआ है, आज किस किस ने क्या क्या टारगेट्स लिए हुए हैं, वो सारी चीजें हम मॉर्निंग मीटिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों जो मॉर्निंग मीटिंग है बेसिकली क्या है, एक शिफ्ट के स्टार्टिंग में या मॉर्निंग के स्टार्टिंग में की जाती है, इसलिए इसको मॉर्निंग मीटिंग भी कहते हैं। कुछ लोग इसको डेली रिव्यू मीटिंग कहते हैं, कोई इसको कहता है डेली मीटिंग, कोई कहता है डेली मॉर्निंग मीटिंग। सब कुल मिलाकर के बात एक ही है कि हमने क्या करना है, कल का रिव्यू करना है और आज का प्लान करना है। तो ये बेसिकली मोटा मोटा हो गया मॉर्निंग मीटिंग। अब जानेंगे हम मॉर्निंग मीटिंग को कंडक्ट कैसे करें, कि मॉर्निंग मीटिंग को किया कैसे जाए, उसको अचीव कैसे करें। दोस्तों मॉर्निंग मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, कुछ स्टेप्स मैंने नोट डाउन किए हैं जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, इतनी जगह मैंने इंडस्ट्रीज विजिट करी है और वहां पर कुछ चीजें देखी, कुछ हमने इम्प्लीमेंट करी, उन सारे को जोड़ करके एक मैंने शॉर्ट समरी बनाई है, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि एक मॉर्निंग मीटिंग को करने का सही तरीका क्या है, कि सही तरीके से एक मॉर्निंग मीटिंग को कैसे किया जाए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि हम शुरू तो करते हैं, देखा देखी मेरी वीडियो देख ली, चलो भाई मॉर्निंग मीटिंग शुरू करो, या कहीं पर हम प्लांट विजिट करने गए, वहां देखा भाई बहुत बढ़िया सिस्टम है शुरू करो, या कस्टमर ने आकर के बोला और हमने शुरू कर दिया, लेकिन वो शुरू ऐसे होता है और ऐसे ही नीचे धड़ाम से आ जाता है, क्योंकि उसको हमने स्टैंडर्डाइज नहीं किया, उसके लिए हमने कोई सिस्टम नहीं बनाया, उसके लिए हमने कोई फॉर्मेट नहीं बनाया, उसके लिए हमने कोई एजेंडा सेट नहीं किया। तो उन्हीं सारी कमियों को दूर करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे पूरा स्टेप रख दिया कि भाई मॉर्निंग मीटिंग को जो करने का जो तरीका है वो क्या है। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, मीटिंग एरिया डिफाइन करना है। सबसे पहले हमें एक एरिया चूज करना पड़ेगा जहां पर हम डेली मिलेंगे। यूजुअली ये होना चाहिए शॉप फ्लोर के ऊपर और एक स्टैंडिंग मीटिंग होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा बेसिक रूल है। ये नहीं आराम से बैठे हैं एसी के कमरे में और बढ़िया एसी चल रहा है, चाय पकौड़े समोसे चल रहे हैं और दो चार गप्पे मारे और कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग रूम में बैठ के जो है हमारी मॉर्निंग मीटिंग खत्म हो गई या कंडक्ट हो गई। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एरिया चूज करना है, और एरिया कहाँ रखना है, शॉप फ्लोर के ऊपर रखना है, सबसे बेसिक रूल। देन आता है डिफाइन स्टार्ट एंड एंड टाइम। भैया मॉर्निंग मीटिंग है, ये कोई बीरबल की खिचड़ी नहीं है कि पकी जा रही है, तो इसका आप 15 से लेके 30 मिनट तक का जो है टाइम सेट कर दो, डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट्स विच यू हैव टू डिस्कस, जो जो आपको पॉइंट डिस्कस करने हैं उसके बेस पे आप इसका एक एजेंडा सेट कर दो, ठीक है। देन है डिफाइन एजेंडाज, कि इसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। सपोज इसके अंदर हम ओई डिस्कस करेंगे, रिजेक्शन परसेंटेज डिस्कस करेंगे, प्लान वर्सेस एक्चुअल डिस्कस करेंगे, आज के डिस्पैच प्लान हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आ गए एजेंडा की लिस्ट। देन है
मेक ए मॉर्निंग मीटिंग बोर्ड एंड डिस्प्ले इन द मीटिंग एरिया। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है साइड में एक हमने फोटो लगा रखी है, तो यहाँ पर क्या है कि भैया एक बोर्ड बना हुआ है और एजेंडा के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। आपको ये घड़ी भी दिख रही होगी, ये घड़ी किससे लिंक है, हमारे थर्ड पॉइंट से, कि भैया जो मीटिंग का टाइम है वो 12 से 15 है, मैक्सिमम खींच के आप इसमें 5 मिनट ले सकते हो। ये नहीं कि हवा हवाई चलती जा रही है, मीटिंग चलती जा रही है। देन है ऑल डेटा शुड बी अपडेटेड ऑन बोर्ड बिफोर स्टार्ट ऑफ द मीटिंग। जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, जितने भी इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको क्या करना है, अपना अपना डेटा ला करके पहले ही अपडेट कर देना है बोर्ड के ऊपर। देन है डिफाइन लीडर एंड और मीटिंग लीडर। आप एक मीटिंग का लीडर डिफाइन करिए जो मीटिंग को कंडक्ट करे, और इसको आप क्या कर सकते हो, डेली के डेली अपने लीडर्स को रोटेट भी कर सकते हो। उससे बेनिफिट क्या होगा कि सबके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आती है और उनको सेंस ऑफ ऑनरशिप मिलती है, प्लस क्या है सबकी इन्वॉल्वमेंट बनी रहती है। ये नहीं कि एक बंदा आया बाकी ने प्रवचन सुना और चले गए। तो आपने अगर एक लीडर इसके अंदर रोटेट कर दिया कि भाई आज जो है प्रोडक्शन वाला करेगा, आज क्वालिटी वाला करेगा, आज मेंटेनेंस वाला इसको कंडक्ट करेगा, तो सब लोग सारे पॉइंट्स को लेकर के अवेयर हो जाएंगे, अटेंटिव रहेंगे कि भाई हमारा नंबर भी आ सकता है, और मीटिंग जो है मोर प्रोडक्टिव आपकी बन जाएगी। देन है शुड नॉट बी मोर देन, जो मैंने आपको थर्ड सेकेंड पॉइंट के अंदर बताया कि भाई इसका टाइम सेट करो, ठीक है, कि आपको मॉर्निंग में करना है और मैक्सिमम 30 मिनट्स करने हैं। देन है टेक मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड रिव्यू ऑन नेक्स्ट डे। क्या कर सकते हो आप, सीधा जो आपने बोर्ड के ऊपर डेटा बनाया उसकी फोटो खींच ली, और अगले दिन जब आप मीटिंग के लिए आए तो हमने वो सारी चीजें डिस्कस करी। तो इस तरीके से आप क्या है मॉर्निंग मीटिंग को पूरा का पूरा प्लान करके कंडक्ट कर सकते हो। दोस्तों आप लोगों को एक जानकारी देनी है कि हमारा यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है AYT इंडिया अकेडमी, जिसके ऊपर आप एक वीडियोज जो देख रहे हो वो देख रहे हो। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है AYT कंप्यूटर अकेडमी, जिसके अंदर हम कंप्यूटर ट्रेनिंग की वीडियोस डालते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप हमारी ट्रेनिंग्स एक्सेल, अपना गूगल शीट, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें जाकर के वहाँ सीख सकते हो। क्योंकि एज ए प्रोफेशनल आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, कंप्यूटर स्किल्स ये आनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक जगह कोई डेटा कंपाइल करना था, तो वहां पर एक मैडम सुबह से लगी पड़ी हैं, बॉस ने बोला ये डेटा मेरे को कंपाइल करके दो, बार बार आ रही हैं, सर ये इसमें अब क्या करना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है। मैं उधर ही बैठा हुआ था, तो उसने 4 घंटे निकाल दिए। मैंने कहा सर एक बात पूछूं, ये क्या डेटा बना रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ पर ना ये 12 महीने का डेटा है, इसमें से मुझे ये चाहिए कि भैया मेरा सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, 12 महीने का डेटा है। अब वो इतना इजी सिंपल टास्क है, अगर आपको पिवट टेबल लगाना आता है तो पिवट टेबल लगाया मैंने कि, और बोला उनको जी आपको 1 मिनट में डेटा मिल जाएगा जो आप सुबह से शाम चक्कर मैडम काट रही हैं। तो पिवट टेबल लगाया और वो डेटा हमें 1 मिनट के अंदर मिल गया। कमी मैडम की नहीं है, कमी ये है कि उन्होंने अपनी स्किल को अपग्रेड नहीं किया, उनको अवेयर ही नहीं कि भाई ऐसी भी कोई अपना फॉर्मूला होता है एक्सेल के अंदर, पिवट टेबल जैसी कोई चीज भी है जिसको यूज करके मैं डेटा को ऐसे एनालाइज करके तुरंत दे दूं, ये नहीं कि बस टाइम पास चल रहा है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हमने इस चैनल के ऊपर अपनी कवर करी है। इसके अलावा हमारा AYT कंप्यूटर अकेडमी के नाम से ट्रेनिंग ऐप है, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे AYT कंप्यूटर अकेडमी जो चैनल है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो ये हमारा ऐप है इसके ऊपर हमने बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज बना करके डाले हुए हैं, बड़े ही कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स है, ठीक है। दूसरे जो चैनल्स हैं या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे आप कंपेयर करोगे तो बहुत ही सस्ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी क्वालिटी खराब है, हमने उनको जानबूझ करके कॉस्ट इफेक्टिव रखा है कि बहुत सारे लोग उसको यूज कर सके। और सबसे बड़ी खासियत क्या है, हर कोर्स के अंदर हमने एक्सेल फाइल या सॉफ्ट फाइल दी हुई है ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको और अपने आप पर इम्प्लीमेंट कर सको। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अब इसके बाद हमने जानना है कि बेनिफिट क्या होगा। मॉर्निंग मीटिंग हमने समझ लिया, उसको कंडक्ट कैसे करना है वो हमने समझ लिया, अब हमें जानना है कि मॉर्निंग मीटिंग को करने से बेनिफिट क्या मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो बेनिफिट है वो क्या होता है, इन्हेंस्ड कम्युनिकेशन। क्योंकि जब सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलते हैं तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो खत्म हो जाता है।
देन डेली की प्लानिंग हो जाती है, टाइम सेट है, एजेंडा सेट है, तो डेली की प्लानिंग हो जाती है। ये नहीं कि आज मशीन पे क्या चलना है, आज कितने का प्लान है, आज क्या क्या डिस्पैचेस जानी है, स्टोर में कोई मटेरियल तो ऐसा नहीं है जो शॉर्टेज हो जिसकी वजह से हमारी प्लानिंग रुक जाए। देन सेफ्टी की भी ब्रीफिंग हम इसमें दे देते हैं, अगर कोई एक्सीडेंट का केस हुआ हो या हमने कोई और उनको इन्फॉर्मेशन देनी हो, वो सारी चीज़ें दी जाती हैं। प्रॉब्लम भाई, जब हम डेली मीटिंग्स करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगे, जी सर वेंडर माल नहीं दे रहा, या कल ये बहुत ज़्यादा रिजेक्शन हो गई, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ऑफकोर्स परफॉर्मेंस रिव्यू हो जाता है कि भाई ओई का हमारा क्या टारगेट था और अचीवमेंट कितना हुआ, रिजेक्शन का हमारा क्या टारगेट था, अचीवमेंट कितना हुआ, प्रोडक्शन का हमारा क्या टारगेट था, अचीव कितना हुआ, डिस्पैच का हमारा क्या टारगेट था, अचीव कितना हुआ। तो इससे क्या हुआ, हर डिपार्टमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो हमारा रिव्यू हो गया। देन है बूस्टिंग मोरल, भाई आपस में जब मिलके एज ए टीम हम वहाँ पे मीटिंग करते हैं तो मोरल तो बूस्ट होता ही होता है। देन है हमारा क्विक डिसीजन मेकिंग, जब सारे डिपार्टमेंट के लोग एक जगह मिल करके जब मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं तो डिसीजन क्विक और फास्ट हो जाता है। ये नहीं कि वो भाई साहब वहाँ पे मेल लिख रहे हैं, ये गया वो गया, बस कागज पे कागज घूमे जा रहे हैं, काम कुछ हो नहीं रहा है। तो जब सारे एक जगह खड़े हैं तो डिसीजन तुरंत हो जाएगा। देन है अकाउंटेबिलिटी भी बनती है कि भाई जब सारे लोग आते हैं, टाइम से मीटिंग होती है, तो सब लोग अकाउंटेबल होते हैं अपने जो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो जो उनके एजेंडाज हैं, जो जो KPIs हैं, उनके लिए अकाउंटेबल भी वह लोग बनते हैं। दोस्तों अब हम जो सबसे आखिरी में हैं, समझेंगे एक मॉर्निंग मीटिंग का बोर्ड। जरूरी नहीं है आपके यहाँ सीधा कॉपी पेस्ट आप कर लो, एक आपको यहाँ पर तरीका मैं समझा रहा हूँ कि भाई आप इस तरीके से सारे डिपार्टमेंट को कवर कर लो। इसमें 60-70% चीज़ें तो कॉमन है, हर कोई अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकता है। कुछ चीज़ें आपको अपने प्रोसेस के हिसाब से चेंज करनी पड़ेंगी, थोड़ी बहुत मॉडिफाई करनी पड़ेंगी। आपकी स्क्रीन के ऊपर मॉर्निंग मीटिंग का बोर्ड आ चुका है, ठीक है। सबसे ऊपर तो जैसे आप देख पा रहे हो तो कंपनी का नाम है, भाई हमने अपनी कंपनी का नाम डाल दिया AYT बिजनेस सॉल्यूशन, AYT इंडिया अकेडमी। देन उसकी हेडिंग आ गई डेली मॉर्निंग मीटिंग बोर्ड, उसके ऊपर आ गया डेट कि भाई किस दिन हम मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर आ गया मीटिंग का टाइम। सपोज हम कर रहे हैं ये 24/7/2024 को मीटिंग, ठीक है। देन यहाँ पर मीटिंग एजेंडाज आ गए कि भाई सबसे पहले हमने क्या किया, अटेंडेंस चेक कर ली, बेंचमार्क मतलब कि कितनी होनी चाहिए और एक्चुअल में कितनी है। ये हमारे सेक्शंस हैं, प्रिंटिंग, असेंबली, क्वालिटी, स्टोर, पाउडर कोटिंग, ऑफिस, ठीक है। यहाँ पर जो अटेंडेंस है बेंचमार्क है, 10 लोग होने चाहिए, यहाँ 5 होने चाहिए, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 5, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। बेंचमार्क मतलब इतनी स्ट्रेंथ हमेशा होनी ही चाहिए। अब इसमें से 10 में से कितने लोग प्रेजेंट हैं, 8 हैं, यहाँ 5 के 5 हैं, यहाँ 3 के 3 हैं, यहाँ 3 लोग आए, यहाँ 1 आया, यहाँ 2 लोग आए। तो आपको पहले ही पता चल गया कि मैन पावर कहाँ पर शॉर्टेज है और आप उस पर एक्शन ले पाओगे। देन यहाँ पर कोई अर्जेंट या इम्पोर्टेंट थिंग है वो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। अब राइट साइड में आ गया हमारा भाई डिस्पैच का प्लान क्या है, ठीक है, बेंचमार्क क्या है, कितने परसेंट अचीव होना चाहिए, आज का प्लान क्या है और कल का एक्चुअल क्या रहा, ठीक है। आज का प्लान फॉर एग्जाम्पल हमें 10 डिस्पैचेस निकालनी है और कल हमारी 8 डिस्पैचेस गई। ऐसे ही प्रोडक्शन में हमने कितने प्लान लिए हुए हैं, सपोज मेरे 10,000 पीस का प्लान है, ठीक है, और कल मैंने 8,000 पीस अचीव किया। रिजेक्शन का मेरा मान लो 1% का है, भाई मैक्सिमम इतना जाना चाहिए, और कल कितना निकला था मेरा, 1.5% निकला था। कोई मटेरियल की शॉर्टेज तो नहीं है जिसकी वजह से जो है मेरी प्रोडक्शन रुक जाएगी, तो आप यहाँ लिख सकते हो। कोई कस्टमर कंप्लेंट तो नहीं है जो आई कल हमें रिसीव हुई, तो हमने यहाँ लिख दिया। कोई मशीन ब्रेकडाउन में तो नहीं गई, अगर गई तो यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया मशीन नंबर 2 में बेल्ट टूट गई, ठीक है, मशीन नंबर 5 के अंदर जो है गियर बॉक्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके अलावा भी अगर कोई आपको एजेंडाज हैं तो आपको ब्लैंक रोज हमने यहाँ दी हुई है, या हमने नोट कर दिया। देन आ गया मिनट्स ऑफ मीटिंग कि भैया डिज़ाइन के क्या टास्क हैं या उनके क्या इश्यूज हैं, कि भाई मान लो मेरी कोई ड्राइंग आई D1001, ये इनको आज इनका टारगेट है कि आज इनको ख़त्म करके देनी है, किसको ख़त्म करनी है, राम सिंह को ख़त्म करनी है। ऐसी मशीन शॉप के क्या टास्क इश्यूज हैं, असेंबली, एडमिन अकाउंट्स, सेल्स, परचेज, स्टोर, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी क्या क्या उनको आपने टास्क असाइन किए वो यहाँ पे आ जाएंगे, और उनकी क्या क्या टारगेट डेट हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी इस बोर्ड की एक फोटो लेंगे,
बोर्ड की फोटो लेने के बाद जब अगले दिन जब हम मीटिंग करेंगे तो वहां से उसको रिव्यू कर लेंगे, भाई कल इनको ये काम मिले थे, इन्होंने किए या नहीं किए, और साथ ही साथ जो हमारी परफॉर्मेंस है वो सारी यहाँ पर आ गई। इसके अलावा इसके अंदर आप क्या क्या डाल सकते हो, इसके अंदर आप डाल सकते हो प्लांट का ओई कितना रहा, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी कितनी रही, शिफ्ट वाइज ए की कितनी रही, बी की कितनी रही, ठीक है। रिजेक्शन हमने यहाँ पर डाल ही दिया कि भाई रिजेक्शन हमारी कितनी रही, वो हमारा यहाँ पर आ ही गया, ठीक है। ऐसे ही जो रिजेक्शन है उसको भी ए और बी में आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ऑपरेटर एफिशिएंसी अगर आपको डालना है वो भी आप डाल सकते हो, भाई ए शिफ्ट में कितना रहा, बी शिफ्ट में कितना रहा, जो हमारी यूटिलिटीज हैं जो डीजी वगैरह उनकी क्या कंडीशंस हैं वो डाल सकते हो। अगर टूल रूम है आपके यहाँ पर तो टूल रूम की भी यहाँ पर आप डिटेल यानी कि डाइयाँ कितनी मेंटेनेंस हुई, कितनी पीएम में है, वो सारी चीजें मतलब आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ये मैंने सिर्फ आपको एक तरीके से एक सैंपल दिखा दिया कि भाई इस तरीके से मॉर्निंग मीटिंग बोर्ड बनता है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, तभी आप लोग यहाँ तक आए हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।